मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम के सदस्यों ने पूर्णिया ऑफिस में छापेमारी की है। अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी छापेमारी में शामिल रही है। हालांकि छापेमारी किस बाबत की जा रही है और इस दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है, इस मामले का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने कमरा बंद कर सभी दस्तावेजों की जांच की और स्टाफ से पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ईडी के पूर्णिया दफ्तर से बड़ा खुलासा होने की संभावना है। अररिया के फारबिसगंज पुलिस ने अपराधियों के बड़े गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल आधे दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों रानीगंज सड़क मार्ग पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी से लूट के मामले में इन लोगों की तलाश थी। डीएसपी ने लूटकांड के उद्भेदन करने का दावा किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से मोबाइल समेत कई सामानों की बरामदगी हुई है। कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके यहाँ से लूटे गए मोबाइल, पैसा सारा कुछ बरामद कर लिया गया है। अन्य कॉन्डोमिनियम की संलिप्तता की जांच चल रही है। लूट और चोरी की घटना में बेतहाशा वृद्धि पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। बेतहाशा वृद्धि तो नहीं लेकिन बढ़ी है, जिसको फारबिसगंज पुलिस ने बहुत चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है और बड़ी प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने उस कांड में लगकर एक टीम का गठन करके सारे अपराध कर्मियों को पकड़ा है और माल भी रिकवरी किया है और इस दिशा में और भी तेजी से कार्रवाई चल रही है कुछ दिनों।